रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा है कि बातचीत के जरिए ही कोई हल निकाला जा सकता है। उनके मुताबिक कूटनीति के जरिए ही शांति स्थापित की जा सकती है। वहीं पीएम मोदी ने पुतिन के सामने भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। इसके अलावा पीएम ने हिंसा को छोड़ने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि बातचीत से मामले में हल निकाला जाना चाहिए। 25 मिनट की बातचीत में पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा इसी बात पर जोर दिया कि युद्ध से किसी भी तरह का समाधान नहीं निकलने वाला है। पीएम मोदी के मुताबिक अगर रूस के नाटो देशों संग विवाद हैं, तो वो सिर्फ बातचीत के जरिए हल होने चाहिए। बातचीत में पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर भी विस्तार से चर्चा की। साफ कर दिया कि वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा भारत सरकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बातचीत के अंत में दोनों नेताओं ने इस पर सहमति जताई कि आगे भी हर मुद्दे पर मंथन किया जाएगा और कूटनीतिक चैनल को मजबूत करने का काम किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। वहीं इससे पहले रक्षा मंत्री ने हालातों को लेकर आश्वासन देते हुए कहा है कि यूक्रेन में मौजूद भारतीयों को जल्द से जल्द और सुरक्षित निकाला जाएगा। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।